हेलो फ्रेंड्स, हम दिग्विजय सिंह। तो हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था टॉपिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, व्हाट इज स्क्वायर्स। ठीक है बेटा, उसमें और चीज थोड़ी सी और जाननी, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसके पहले ये भी जान लीजिए बेटा कि अगर कोई इवेन नंबर होता है, इवेन नंबर है अगर है तो इवेन का स्क्वायर हमेशा इवेन होता है, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा हो। आठ का स्क्वायर हमेशा आठ होता है, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो। कोई नेगेटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एक और चीज आती है, जैसे मान लीजिए कंसेक्यूटिव सम ऑफ आठ नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव आठ नंबर्स। जैसे मान लीजिए आठ नंबर वन है, तो वन वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब टू का स्क्वायर फोर होता है ना, इसको लिख सकते हैं वन प्लस थ्री। थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, इसको लिख सकते हैं वन प्लस थ्री प्लस फाइव। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। ठीक है बेटा, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन। एज इट इज बढ़ता जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से है। अभी और चीजें हैं जो बुक्स में मिल जाएंगे आपको, मैं नोट्स के माध्यम दे दूंगा। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट्स। इसे बेटा होता है स्क्वायर ऑफ टू इक्वल टू फोर्थ। स्क्वायर रूट ये होता है, स्क्वायर रूट की साइन। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ फोर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फोर? फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अब ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये चीज चेक करने के लिए, अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेथड्स, दो मेथड है। पहला मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड। मेथड क्या क्या है ध्यान रखिएगा। मेथड है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो होता है डिवीजन मेथड होता है, उसको चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चर्चा करते हैं। जैसे बेटा अगर ये छोटा नंबर है फोर्थ, फोर को क्या लिखेंगे? टू इंटू टू, यानी फोर का टू का स्क्वायर क्या लिखेंगे? या टू। इसका मतलब ये है टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर टू। ठीक है, थ्री स्क्वायर ऑफ थ्री इक्वल टू नाइन, तो अंडर रूट नाइन इक्वल टू थ्री। स्क्वायर ऑफ फोर इक्वल टू सिक्सटीन, तो अंडर रूट सिक्सटीन इक्वल टू फोर। एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, तो अंडर रूट सिक्सटी फोर इक्वल टू एट। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए बड़े नंबर है, बड़ा नंबर इन द सेंस मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर है 9216, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट। इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेटा इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, टू फोर जा टू सिक्स जा, ठीक है, और जीरो हो जाएगा टू एट जा, अगेन टू से टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, जीरो टू फोर जा, फिर टू से डिवाइड करे टू वन जा, टू वन जा टू फाइव जा, टू टू जा, फिर टू से डिवाइड करो बेटा टू फाइव जा टेन वन बचा, सेवन जा फोरटीन वन बचा, सिक्स जा, फिर टू से डिवाइड करिए टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू से डिवाइड करो टू वन जा टू फोर जा टू फोर जा। आई थिंक दैट आप सब लोग कर लेंगे इसको। फिर थर्टी सिक्स एटीन नाइन थ्री लास्ट में बना गया। अब देखे ना, इस तरह यही पेयर बना लीजिए आप। ठीक, हर पेयर फॉर्म में है तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं टू स्क्वायर वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू, ठीक, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन टू थ्री का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट फरा। स्क्वायर रूट में क्या है कि अगर ये स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट फरा, अब बेटा हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, वन टू थ्री फोर फाइव इंटू थ्री।
अब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96 ये आपका आंसर हो जाएगा यानी इसका स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देन यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड अरेंज ईच प्राइम नंबर इन पेयर्स फॉर्म एंड वन वन नंबर्स कलेक्ट फ्रॉम ईच पेयर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ प्राइम नंबर्स आर स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इट इज द सिस्टम। नेक्स्ट में हम आपको डिवीजन मेथड बताएंगे आप उसको अच्छे समझिएगा। अभी आप इतना ही जानिए आप अभी आप जान सकते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा वन होता है मतलब उनका सम होता है यानी कि अगर ए और बी दो नंबर हैं जहां ए इज ग्रेटर देन बी और कंसेक्यूटिव ए एंड बी आर टू कंसेक्यूटिव नंबर ठीक है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी तो इनका डिफरेंस क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी। अभी कैसे होगा ये हम बता देंगे जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 प्लस 4 यानी 9 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं आप इसको 25 माइनस 16 करते 9 आ जाएगा या आप ए स्क्वायर माइनस फार्मूला लगा ले 5 प्लस 4 5 माइनस 4 तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो बेटा जैसे 63 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर 63 प्लस 62 यानी 125 आप 109 का स्क्वायर माइनस 108 का स्क्वायर ये हो जाएगा 109 प्लस 108 यानी 270। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इतना आप और प्रैक्टिस करिएगा हम आपको वर्कशीट में देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप और डिवीजन मेथड पढ़ाएंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू।